हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जिया यम्मी यम्मी। दोस्तों, आपने मीठी गुजिया तो बहुत खाई होगी। आज हम बनाएंगे तीखी गुजिया, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीखे घुघरे बनाने के लिए आटा बांध लेते हैं। इसमें हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ऑयल डाला है 2 चम्मच। चलिए इसको गूंद लेते हैं। चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। 250 ग्राम मूंगफली है, तिल है और सौंफ, इनको बारीक पीस लिया है। हरी मिर्ची को बारीक पीस लिया है, हींग और शक्कर बारीक पीसी हुई। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, कुछ जीरा डालेंगे और इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इसमें पिसा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें पीसी हुई स्टफिंग को भी ऐड करेंगे। सभी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और कोई लम्स ना रहे। धीमी आंच पर इसको इसी तरह से पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। ध्यान रहे कि आपका जो स्टफिंग है वो जले ना, फिर चिपके ना। अब इसको गैस की फ्लेम को ऑफ करके इस मसाले को ठंडा करके इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे, लगभग 3 बड़े चम्मच। ये आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब वो आटे से लोई बनाकर इसको बेलेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब जो घुघरा बनाने का सांचा होता है ना, उसमें हम जो रोटी हमने बेली उसको रख कर उसके किनारे पर पानी लगाएंगे और बीच में स्टफिंग भरेंगे, ऐड करेंगे। इसको टाइटली बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल देंगे। लीजिए, तैयार है। कुछ इसी प्रकार से सारे घुघरे बना लेंगे। सारे घुघरे बनकर तैयार हैं। इनको हम तल लेते हैं। तलने के लिए आपको ध्यान रखना है, इनको हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पर तलना है। इनको दोनों साइड पर पलटते हुए इनको तलेंगे, गोल्डन होने पर इनको बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी तीखी गुजिया। इसे घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको। थैंक यू।